हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं सपना चौधरी स्नैपी गर्ल्स की। स्नैपी गर्ल्स के लिए जो है काफी चीजें हो रही थी। कुछ लोग रूमर्स उठा रहे थे, कुछ लोग बातें कर रहे थे कि शायद उनकी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, इमरजेंसी में उसको ससुराल वापस जाना पड़ा। लेकिन कुछ फिर बाद में ये भी खबरें आई कि वो खाटू श्याम जा रही है। लेकिन जब हम लोगों ने व्लॉग देखा तो ये चीज कंफर्म हो गया कि इस समय खाटू श्याम के रास्ते पे थी वो जब उनका व्लॉग आया है। अब तो शायद दर्शन भी हो गए होंगे। तो बहुत लोगों को दिक्कत है इसमें भी, बहुत लोगों को दिक्कत है इनकी जीवन शैली पे भी, बहुत लोगों को दिक्कत बहुत सी चीजों पे है। तो बात करते हैं कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब अकेले रह रही है तो खूब घूम रही है, खूब ये कर रही है, खूब बाहर घूमने जा रही है। तो हम आपको बताएं, खाटू श्याम जाना घूमना नहीं होता है। अगर खाटू श्याम जाना घूमना होता तो हम तो ये कहते हैं कि भगवान हर महीने हमको इसी तरह का घूमना नसीब करे और हम हर महीने खाटू श्याम जा सके। तो ये एक बुलावा होता है खाटू श्याम भगवान का, जिनको बुलावा होता है वही जा पाते हैं। आपको आप विश्वास करें, हम हर जगह ज्यादातर जगह होके हैं लेकिन अभी तक हम खाटू श्याम नहीं गए। बहुत अच्छा है, बहुत है मन में कि मैं भी खाटू श्याम जाऊं और श्याम बाबा के दर्शन करके आऊं, क्योंकि मैं भी एक श्याम प्रेमी हूं। तो मैं अपने लखनऊ में भी, मेरे श्याम मंदिर है, खाटू श्याम मंदिर है, मैं वहां पे अपना जाती हूं, दर्शन करती हूं, जो मांगना होता है मांगती हूँ। चलिए, ये तो मेरी श्रद्धा की बात है। अब सपना को कमेंट्स आ रहे हैं कि घूमने जा रही है और अकेले रहने का फायदा उठा रही है, कर रही वो कर रही। तो ये घूमना नहीं होता है, ये एक आस्था की चीज होती है। अपने उसका बुलावा है खाटू श्याम से, दोनों बेटियों को लेके वो गई है। बिना बुलावे के ऐसी जगहों पे किसी को नहीं जाना होता है। कई बार ट्रेन का टिकट कैंसिल हो जाता है, कई बार वेटिंग पे आ जाता है, कंफर्म नहीं हो पाता है, कई बार वहां जाके आदमी वापस लौट आता है लेकिन दर्शन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कहते हैं जिसका बुलावा नहीं है उसको दर्शन नहीं होते हैं। जिसको खाटू श्याम के दर्शन होने होते हैं वही होता है, और वही उसका बुलावा है। इस पे मीन में एक निकालना, इस पे इस तरह के कमेंट्स करना, इस तरह की चीजें बोलना, ये कमेंट करने वालों को सोचना चाहिए, शोभा नहीं देता है। बहुत से लोग बहुत सी चीज बोल रहे हैं, अकेले है तो वो घूम रही है, ये कर रही है, तो अकेले है तो क्या जीना छोड़ दे, बाहर निकलना छोड़ दे, बच्चे को पालना छोड़ दे। अच्छा, फिर अब बहुत चीजों में दिक्कत है। देखिए, अब शिवी के साथ दोस्ती है तो उसके साथ भी दिक्कत कर रहे हैं लोग कि शिवी के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती है, उसके घर में शिवी इंटरफेयर कर रही है, उस शिवी के घर में ये इंटरफेयर कर रही है। तो दोनों ही समझदार हैं, एडल्ट हैं, दोनों को ही एक दूसरे अपने अपने दायरे पता हैं, एक दूसरे का भी दायरा पता है। उतना ही इंटरफेरेंस होगा जितना सही होगा, जितना होना चाहिए, इससे ज्यादा दोनों ही समझदार हैं, दोनों ही नहीं होंगे। अब पता है आपको व्लॉग आया, व्लॉग देखा, खाटू श्याम की यात्रा पे है, बीच में सपना की नानी का घर भी ननिहाल भी पड़ा, जहां पे गई सपना बहुत खुश हुई, वो लोग भी बहुत खुश हुए। ऑब्वियसली शिवी की फैमिली के साथ गई थी तो सबको इंट्रोड्यूस भी कराया, शिवी को भी देख के उन लोग को बहुत खुशी हुई और उसके बाद उन्होंने आगे की यात्रा की। तो इसका मतलब यही समझ लीजिए कि बुलावा था, वो गए थे। इसलिए नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि हर इनके ऐसे समय पे भी अगर आप लोग मीन में निकाल के इस तरह की चीजें बोलेंगे तो भाई आप लोग को खुद मनाना चाहिए कि जैसे आज इनको बुलाया है। कहते हैं ना, जैसे भगवान ने इनको दिया है हमको भी दे, जैसे भगवान ने इनको बुलाया है हमको भी बुलाए। तो भाई जैसे आज सपना का बुलावा आया है वैसे आप सबका भी बुलावा है, वैसे हम सबका भी बुलावा है। लोगों के कमेंट्स करने का तो हम क्या ही कहें, रिश्तों पे दोस्ती पे ऐसे सवाल करते हैं। जैसे अभी लखन गए थे तो चीजें कुछ लोगों ने देखी, सब लोगों ने नहीं, सारे लोग ऐसे क्या बताएं, अंधे काने लूले मतलब बहरे नहीं होते हैं। कुछ लोगों ने लखन के जाने पे भी सवाल उठाए थे, ऐसे क्यों गए थे, ससुराल में क्यों पहुंच गए, उसके घर क्यों पहुंच गए, सपना वहां क्यों पहुंच गई, अपना खाना नहीं देखने की वजह लोग कहते हैं। और इसीलिए रिएक्शन चैनल है कि सही के लिए सपोर्ट में खड़े होते हैं हम लोग और गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जहां जो गलत होगा हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और जहां जो सही चल रहा होगा हम उसके सपोर्ट पे खड़े रहते हैं। अब कुछ दिन कुछ बातें ऐसे भी हो रही हैं अनीता और बसंती के लिए, हमको लोग लिख रहे हैं, हमको हमने दो तीन वीडियो देखी जिसमें जो चीज गलत दिखी हमने उस पर वो दिया, रिएक्शन दिया। इसका मतलब हम बसंती के सपोर्टर बिल्कुल भी नहीं हो गए हैं, तो ये चीज आप लोग ना सोचिए। चलिए, बात सपना की हो रही है। तो सपना वहां गई है, एंजॉय कर रही है। ये जो खबर आई है कि सास की तबीयत खराब है, इमरजेंसी में सपना को ससुराल पहुंचना पड़ा है, ये एकदम फिलहाल तो झूठ है। अभी तक सपना का ना तो स्नैपी गर्ल्स में कोई व्लॉग आया है, ना तो द रोड में ऐसा कोई व्लॉग आया है जिससे ये चीज की खबर हो। अगर ऐसी खबर होती तो जरूर पता चलती। ये सिर्फ कुछ शैतानी ताकतों का जो कमेंट होता है वो होता है, हर जगह जाके इस तरह के कमेंट कर देते हैं कि लोग भ्रम में जीते रहे और उसको सपोर्ट करने की बजाय, उसके लिए अच्छा बोलने की बजाय इसी भ्रम में, अच्छा ऐसा पहुंचा होगा, अच्छा वैसा पहुंचा होगा, अच्छा ये किया होगा, अच्छा वो किया होगा। तो जिए और जीने दे, लास्ट बात यही है।
वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो लेके हम तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड डू कमेंट।